बिग बॉस के घर के अंदर कैप्टेंसी टास्क शुरू हुआ है। आप जानते ही हैं कि गार्डन एरिया में एक सेटअप लगाया गया है जिसमें कैप्टन के अल्फाबेट CAPTAIN लगाए गए हैं, जहां पर ये सब जाकर एक एक कॉन्टेस्टेंट खड़ा हुआ है। अफसाना, विशाल, जय, ईशान, अकाशा, उमर, और इन सभी में सबसे ज्यादा अगर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है तो वो है उमर रियाज। यानी कि कोई भी नहीं चाहता जो अपोजिट टीम है उसमें कि उमर रियाज कैप्टन बने, जिससे एक बात तो साफ है कि इन सभी को उमर से सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है। ना सिर्फ पाउडर, रेत, आटा, बल्कि वैक्स तक किया गया, उनको जाके जो है गुदगुदी की गई। लेकिन उमर जो है सभी के जितने भी टॉर्चर हैं बहुत हंसते हंसते सह रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो है प्रतीक सहजपाल ने एक ऐसा काम किया कि वाकई में दिल जीत लिया। अफसाना के साथ भी उन्होंने वही किया, हालांकि सब जो है व्हाइट पाउडर और आटा कुछ डाला गया था जिसके बाद वो उनके नाक में जा रहा था, तो प्रतीक गए और उन्होंने टिश्यू दिया कि तुम जो है अपनी नाक साफ कर लो, और वही चीज उन्होंने अफसाना के साथ की। हालांकि तेजस्वी को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन प्रतीक ने बोला कि कैप्टेंसी टास्क अपनी जगह है और हम लोग ह्यूमन है, ये तो ह्यूमैनिटी तो नहीं छोड़नी चाहिए, तो उन लोगों को सांस ना आए ऐसा काम मत करो। ये लोग खुद जो है, और जो टास्क है उसमें ये रूल्स में है कि अगर आपको वहां से हटाने के लिए कोई कुछ करता है तो आप अपना मुंह वगैरह ढक नहीं सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि भले ही उमर जो है अपना मुंह ना ढक सके, ना क्लीन कर सके, लेकिन तब जो है प्रतीक ने बोला कि ले ये टिश्यू ले, तो क्लीन कर ले, क्योंकि नहीं तो नाक में जाएगा तो आप लोग सांस नहीं ले पाएंगे। पर इस पूरे टास्क में एक बात तो समझ में आ गई कि उमर को लोग जो है काफी उससे इनसिक्योर है, इसलिए सबसे पहले उमर को जो है कैप्टेंसी की रेस से बाहर निकालना चाहते थे। वहीं इस दौरान जो है सिम्बा डिस्क्वालीफाई हो गए और इसको लेकर करण, शमिता और तेजस्वी में बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई है। तो फिलहाल ये टास्क चल रहा है और इन लोगों की आपसी बातचीत से ये बात समझ में आ रही है कि टास्क कल तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन लाइव में टास्क को लेकर जो भी अपडेट आएंगे हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।